हे गाइस, स्वागत वंदन अभिनंदन। हम एक और बार आ गए हैं बालाघाट की पावन धरा पर और जा रहे हैं झरने की तरफ, गांगुलपारा झरने की तरफ। बेहतरीन वादियों में, पहाड़ों की वादियों में और पृथ्वी के बिल्कुल सौंदर्य को देखने के लिए, नेचर को देखने के लिए। और कुछ ही देर में हम गांगुलपारा झरने के पास में होंगे और बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है ये। और इसको उस वहाँ के जाने के लिए ये एक रास्ता यहाँ से कटती है, जो कि बालाघाट टूरिज्म ने एकदम छोटा सा बोर्ड लगाया है। और ये इस टाइप का गांव है यहाँ पे। फंसी आपको ये डैम की पार दिखना चालू हो जाएगी। और ये डैम का पानी आ रहा है यहीं से, जो कि खेतों की ओर जाता है। और इसके बाद आपको रास्ता बिल्कुल कच्चा मिलेगा। इस गड्ढे भरे रास्ते से हम गांगुलपारा पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से गाड़ी वगैरह नहीं जाती, तो वहाँ पे वो सब लगा दिए। और यहाँ से आप नज़ारा देखिए डैम का। इस रास्ता से हम आए हैं, ये वाली नीचे वाली से, और ये पार वाली रास्ता है और ये डैम है। और आप यहाँ पे शांति देखिए। यहाँ से देख सकते हैं आप, ऐसा बंद कर दिए है। यही रास्ता यहाँ से इधर पे गाड़ी खड़ी करवा देते थे और यही रास्ता पैदल पैदल जाता था। और उसके भी पहले गाड़ी वगैरह भी ले जा लेते थे। ऐसा है। अभी हम आ तो गए, विचार कर रहे हैं अंदर कैसे जाए। गाड़ी वगैरह तो हमारी ये खड़ी है। अंदर जाने का फुल जुगाड़ जमा रहे हैं जंगल के बीच में। आप रास्ता देख सकते हैं, वो वहाँ से आइए, वहाँ से। हाँ, चलो चलो चलो, मिल गया रास्ता, मिल गया। देख रहे हो कहाँ से रास्ता जुगाड़ उगाड़ करके। बिल्कुल भैया, यहाँ के लोग ऐसा जुगाड़ नहीं जमाए, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब तुम कितनी भी पैकिंग कर दो, लेकिन रास्ता कहीं ना कहीं से खोज लेंगे। वादियों को चीरते हुए पीरी री री री। अभी यहाँ से डाल देते ना साइड से रास्ता जरूर देखा है, जो हमारी गाड़ी अंदर आ चुकी है। और जाते हैं काफ़ी लोग, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लोगों की वीडियो वगैरह देखा। तो आप लोग मुझको सपोर्ट कीजिए, हम इसको टूरिज्म एरिया बनाएंगे। तो देखो आगे बैठी हुई है, ये खतरनाक जंगल बिल्कुल आपको दिखेगा। अभी ऐसा क्यों बंद कर दिए, जाने क्यों नहीं दे रहे? बारिश की वजह। लेकिन अभी तो बारिश में बंद रहता है, बारिश हो या मत रहे। नहीं, पहले तो ऐसा नहीं था ना। पहले नहीं था, अभी हो गया, नियम बदलते रहते हैं। तो अभी क्या ये सब तरफ ऐसे ही बंद करते जा रहे हो? ये चालू कब होएगा? तो अक्टूबर में होगा। एक अक्टूबर। अभी क्या, पहले तो इसकी टिकट वगैरह भी नहीं लगती अभी, थी। अभी नहीं लगता। हाँ। अभी बंद है तो नहीं लगता, जब चालू होगा ना अक्टूबर से टोटल पूरा लगेगा। अच्छा, गाड़ी पार्किंग है 25 रुपया, एक व्यक्ति पे 12 रुपया अंदर जाने का है। फोर व्हीलर का 100 रुपया। चलो वहाँ करा देते हैं, चप्पल पकड़ना। तो आप लोग यहाँ पे सब बंद कर रहे हो, पूरा फेंसिंग कर रहे हो तार से? जी भाई, यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं आप। ये रहा वाटरफॉल और ऐसी जाली बंद होते जा रही है। और ये 1 अगस्त से जो चालू होगा उसमें इस टाइप के कुछ रेट है। कहाँ से आ रहे हो काका जी? गांव से आ रहे हो क्या अपने? ये क्या बनाए हो? ये हथौड़ी। ये काय के पत्ते भैया? ये वो मोलिन पत्ता है। काय का? मोलिन पत्ता। मोबाइल पत्ता? मोलिन। मोबाइल नहीं, मोलिंग। इसको क्या करते हैं लोग फिर? ओढ़ते हैं किसान लोग, छतरी का काम करते। अच्छा, परा लगाने जाते तो। अच्छा, अपन को सात नारी जाने तो कैसे जाएंगे? सीधे ही सीधे ही जाएंगे। चले जाएगी ना गाड़ी? हाँ। बहुत लोग तो गए हैं अभी गाड़ी से। चलो ठीक है, सीधे ही सीधा ना। हाँ।
प्लान थोड़ा चेंज कर दिए, गांगुल पारा तो बंद है, हम और अंदर सात नारी झरना जा रहे हैं, सत नारी। ये पूरी गाड़ी धुल गई रे। जिस रास्ते से हम अभी जा रहे हैं ये रास्ता गांगुल पारा गांव की ओर ले जाता है। इस एरिया में आपको आदिवासी जनजाति का लोग देखने मिलेंगे और अभी इस रास्ते से लोग जाते आते भी है। अब सोचो इस इतनी भरी बारिश में अभी काका जी मिले थे क्या, वो बना बना के बेचने जा रहे थे। अद्भुत रास्ता है यार, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। हाँ हाँ हाँ, देखो जंगल की वादियाँ। डालो ना गाड़ी, दबाओ 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 दबाओ, बहुत बढ़िया। ओ ये है सात नारियाँ, एक नारी दूसरी नारी है तीसरी नारी, कुछ भी मत बताओ। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों सा हो जाए, ये पैर की कोमल सुरे भाग जगाए। ओहो तू जिसको मिल जाए वो, ओहो तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माल, एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगा। पड़ता है सीधे इसकी गाड़ी। अरे जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। अब वो क्या देख रहा हूँ, गाँव इधर से सड़क है मेन रोड। हाँ भाई साहब आगे गांव है, एकदम जंगल पार कर नया एक्सपीरियंस। ओह माय गॉड भाई साहब क्या गांव है यार। ओह भाई साहब लोग यहाँ रहते हैं तिरंगे के साथ में। अब स्कूल भी है गांगुल पारा। अब सोचो यहाँ पे कोई मास्टर की जॉब होगी, उसको क्या बेहतरीन लगेगा। पानी बह रहा है भाई, नहर। ओ भरे जंगलों को पार करते हुए हम आ गए हैं झरने के पास। भाई साहब क्या ठंडा पानी है यहाँ तो, कैसा लग रहा है मानो प्रकृति एकांत बैठकर अपना सौंदर्य निखार रही हो। मोबाइल और ईयरफोन। ओ भाई साहब क्या ठंडा पानी, वाव वाव हिडन झरना। चाबी अच्छे से रखा है कि नहीं बे? मैं ले जा रहा हूँ अपने गोप्रो को पानी के अंदर। वाओ इट्स ब्यूटीफुल, अमेजिंग ब्यूटीफुल। जहाँ ना कहाँ है पता नहीं, बस चले जा रहे हाथ में डंडा लिए। बाकी बहुत शांति है भैया यहाँ पे, एक नंबर जोरदार जबरदस्त। कैसा है यार भैया, बहुत दूर है? अबे वो दो गाड़ी वाले आए थे लोगों को ऊपर गए क्यों? नहीं उधर ही। फिर विचार करने के बाद हम आगे की ओर बढ़ चुके हैं, अब देखते हैं क्या है क्या नहीं। बाकी बहुत रिस्की वाला एरिया है। क्या है पर अभी खाली हो, ऐसा लग रहा है पानी बढ़ा था और कम हुआ है। ये वाली लकड़ी पकड़ भैया तू,
बसिंडा नहीं ये सही है, वो तो रिटर्न हो गए थे। वाह यार, अरे पंछी बनू उड़ती फिरू मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। बहुत ही खतरनाक रास्ता दोस्तों, हम निकल रहे हैं अपनी मुंडी बचा बचा के खतरनाक रास्तों से। ओहो, और ये झरना हमारे पास आते हुए या हम झरने के पास जाते हुए। बहुत ही शानदार विचार रखते हैं आप। अब आबो बो भाई साहब, खड़ी पहाड़ी एकदम। भाई साहब नजारे के बाद मैं क्या ही करूं। वाह 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 वाह, कैसा लग रहा है? ऐसा नजारा ना मैंने कहीं देखा था, ना कभी सोचा था, ना ये भी पता नहीं था कि ये बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है। हिडन झरना है, बहुत अंदर आना पड़ता है, काफ़ी बाइक राइड करते हुए आना पड़ता है, ऑफ रोडिंग करते हुए आना पड़ता है। पूरी मिट्टी और जंगल वाला रास्ता है और उसके बाद में आपको काफ़ी दूर तक के पैदल चलना पड़ता है जिस प्रकार हम चल रहे हैं, और उसके बाद में आपको जो नज़ारे दिखेंगे, जो यहाँ की ब्यूटी है, वो तो स्वयं आपको आके ही समझना पड़ेगा। आगे हम अभी झरने की तलाश में हैं जहाँ से पानी आ रहा है, और देखते हैं आगे क्या होता है। और एक बार आप इस झरने की आवाज़ सुनिए, पानी की आवाज़। लगता है मेरे साथियों को झरना दिख गया है, बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुके हैं वो लोग। एक बार मैं उनके पास दौड़ के जाऊंगा, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं भी बहुत देखने के लिए बहुत तैयार हूँ, बहुत देर से इसके लिए मेहनत कर रहे हो। और वाह वाह भाई साहब, क्या है ये खतरनाक, बहुत ही ज़ोरदार आ रहा हूँ मैं भी। क्या प्यारे तरीके से पानी गिर रहा है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और इतने ऊपर से हाय हाय हाय, इतनी थकान हो गई है तब भी कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे। प्रकृति अपना सौंदर्य शांति से बिखर रही है, दिखा रही है। ओ हो हो हो, देख लो उधर ढूंढिया ढाल के, देखो बाघ तो नहीं है। ये मधुमालती का पेड़ रात में इतना शानदार खुशबू देता है। अच्छा बाघ दिख रहे, क्या है ये लकड़ी? ओ हो हो हो, बाबा लकड़ी तोड़ के रख लो ढूंढिया ढाल के, यहाँ से तो मालूम है लकड़ी के टार का धंधा चालू कर लेगा। ओहो भाई साहब, खड़े खड़े पहाड़ों के बीच में हम आ चुके। आगे की ओर झरना है थोड़ी ही दूर पे, ये लड़के लोग निकल रहे, हम भी चलते थे वो जगह बनाते। ओ भाई साहब पहुंच गए फाइनली, ट्रैकिंग करते हुए पहाड़ों को बीच से बिल्कुल। और मैं आपको दिखाऊं, ओहो देखिए पहाड़, देखिए काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर रोग हर 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 महादेव। कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ से चढ़ने की, देखो हमारा सुभांशु भाई कोशिश कर रहे हैं यहाँ से चढ़ने की, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा है। बहुत ही शानदार तरीके से हम चढ़ाई कर चुके हैं, और ये रहा हमारा झरना। आओ लो लो सुभांशु भाई, आओ हर हर महादेव। फाइनली पहुंच चुके हम झरने के पास में, और मधुमक्खी के छाते भी यहाँ बहुत है, पर प्राकृतिक सौंदर्य शांति से प्रकृति बिल्कुल अपना निखार दिखाते हुए। मैं आपको बता दूं, ऐसी खड़ी पहाड़ चढ़ते हुए
जाना पड़ रहा है बिल्कुल। ये कृपा ही होगी मालिक की जो इतने अंदर तक के किसी को लाती है। देख सकते हैं आप इस वाटरफॉल को। हाय हाय हाय, ओहो क्या पब्लिक है भैया यहाँ पे तो। ठंडा, क्या ठंडा लग रहा है दोस्त, क्या मजा आ रहा है, क्या ठंडी हवा आ रही है यहाँ से भाई साहब, क्या ऊपर से झरना गिर रहा है, मतलब इतना आनंद, इतना आनंद। कहाँ गया बे? वो है। कूदो कूदो कूदो, मजा आ रहा हूँ आगे निकालो। हे हरिनाथ, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ हम प्रेम आनंदी। पता रह गया झरना दिखा, झरना जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गलिया जाना। अरे बाहुबली, इतनी थकान थी पर यहाँ पे जो ठंडक का एहसास है, हाय हाय हाय, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इतना प्यारा फ्री में प्राकृतिक सौंदर्य, और ये देखिए बिल्कुल जोरदार, मतलब इतना मस्त और प्यारा, पूरी थकान दूर हो गई है, इतना ठंडा लग रहा है। आए आए आए, ये हरिनाम, ये हरिनाम, इधर 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 इधर। अबे बल्ली तो रे, आगे भैया हम वहां से जाती भी टाइम लगेगा। हाँ बहुत एनर्जी लगेगी। करते हैं इस वीडियो को यहीं समाप्त, इस गांगुल पारा के सात नारी झरने पर, जो कि बहुत ही अंदर है जंगलों के रास्ते से आने पड़ते है। अगली बार मिलते हम आपको दूसरे झरने पर। जय हिंद जय भारत, क्योंकि मेरा जिला प्राकृतिक सौंदर्य में परिपूर्ण है और बहुत सारे झरने हैं, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं ठंडी और बरसात के टाइम में। हर वाला घाट के हमारे कुछ साथियों ने लकड़ी इकट्ठा कर लिए है, घर ले जाएंगे करके, और यहाँ से नजारा देख सकते हैं आप काफी दूर तक के। बहुत ही कठिनाई भरा रास्ता है यहाँ पे, बहुत ही अद्भुत नज़ारे के साथ। काफ़ी एक डेढ़ किलोमीटर पैदल चलते हुए कुछ पहाड़ों को क्रॉस करते हुए हम यहाँ से पहुँचते हैं लोग, और बेहतरीन नज़ारे यहाँ से आपको देखने मिलेंगे। बहुत ही अद्भुत शांति का अनुभव होगा आपको, और बहुत ही प्यारा प्राकृतिक नज़ारा आपको दिखेगा। प्रकृति अपना सौंदर्य बिल्कुल बिखरते हुए शांति में, और यहाँ के अद्भुत नज़ारे हैं, क्या ही कहना इसके बारे में। ये है रास्ता, बहुत कठिनाई भरा है और ऐसे नदी टाइप के रास्ते हैं, पहाड़ है, पानी है, और बहुत ही अच्छा बहता हुआ
कछुआ जो कि लकड़ी बांध रहे है गाड़ी के पीछे। याद याद लो बांधो बांधो। हेलो